बन्नी, मना लागा तू बहुत बड़े घर की बहू बन गई, इप काम में तेरा मन ना लागे। पर ये हुआ कैसे? मैंने तो अपने हाथों से टिफिन तैयार किया था, तब तो सब ठीक था। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने गलती से अपना टिफिन ऐसे खुला बाहर रख दिया हो? यो देख लो, ये देख लो, अपनी गलती छुपाने के लिए हम सबकी पर्ची फाड़ रही है यो। एक से गलती हो सकती है, दो से गलती हो सकती है, क्या इतने सारे लोगों से गलती हुई है? आप बोल ना, इतने सारे लोगों से गलती हो जाएगी तो ऐसा टिफिन आएगा? बन्नी, हमने लग गया, तेरा टिफिन हमें बंद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ मैं सच ही कह रही हूँ, तुम्हारे को इस बारे में कुछ कुछ भी बताना है, पर ये बात भी सच है कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। ऐसा नहीं होता, माफी से काम नहीं चलेगा बन्नी। एक मिनट, शांति से बात सुन लो, हमारी बड़ा मान तो रखोगे ना? इतने सालों से बन्नी ने आपके घर में खाना पहुंचवाया, प्रेम से खिलवाया, आज तक इतनी बड़ी गलती ना हुई उससे कभी। आज ये गलती हुई है, मैं मानू, इसकी जांच करनी पड़ेगी ना भाई। तो करो ना, ये ना चले। एक मिनट, फोन है। मम्मा मम्मा, मैं अब क्या करूं? सब सब बन्नी मेरे उनको परेशान कर रहे हैं। बन्नी जाओ, बन्नी का नाम भी बदनाम हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हाँ जी शर्मा जी, के? आप रे बैठे भी, मैं साची कह रही हूँ, मारे को ये कैसे हुआ ये पता ना है, पर मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने कुछ भी जानबूझ के ना किया है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप लोगों में से किसी ने भी मारे टिफिनों के साथ ये शरारत ये छेड़खानी की है ना, तो अब भी के अभी अपने आप आगे बढ़कर मान लो, और अगर ना भी माने ना तो बन्नी को खुद गलती मनवाना बहुत अच्छे से आवे। हेलो, बिना सोचे समझे हम पे मत इल्जाम लगाओ। है दैया, अपनी गलती का ठीकरा हमारे सर पर मत डालो। मैं बहुत अच्छे से जानू कि ये करतूत आप लोगों की हो सके, अभी पता लगा लूंगी मैं। बन्नी दुलन, सुनो ना। अभी नहीं युवान, मारे को पता लगाना है कि इनमें से दोषी कौन है। तो मारे टिफिनों के साथ ये सब मैंने किया है बन्नी दुलन, युवान ने किया ये सब। What? हाँ तो भाभी चाहो चलाओ जरा हंटर अपने पति देव पर, चखाओ इसे मजा। नहीं देखा, आ गई ना बात सामने। बन्नी बहुत भरोसा था तुम पर, तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है बन्नी। और बन्नी जब तक तुम अकेली थी सब कुछ सही था, जब से तुमने इस बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है दो तीन बार गलती कर चुकी हो, आज से हमारे यहाँ टिफिन नहीं भिजवाना। टिफिन रखो, क्यों किया ऐसा तुमने? वो बन्नी दुल्हन, युवान कृष्णा जी जैसा बनना चाहता था ना जन्माष्टमी के लिए, और कृष्णा जी कैसे सारी गोपियों की मटकी से ऐसे 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 मक्खन चुराते थे, तो युवान ने भी अपनी प्यारी बन्नी के सब डब्बों में से थोड़ा थोड़ा चुरा लिया था। नहीं, अगर एक ही कस्टमर का सारा खाना चुरा लिया
तो फिर वो कस्टमर भूखा रह जाएगा ना, बन्नी दुल्हन का नाम खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब क्या करूं, कृष्णा जी बन के चोरी भी करनी है और कस्टमर को भूखा भी नहीं रखना। आइडिया आइडिया, युवान, कृष्ण जी माखन चोरी करते थे पर ऐसे ना करते थे। कृष्ण जी के माखन चोरी करने का मतलब ये था कि वो लोगों के दिलों को चोरी करते थे, वो दिल जो एकदम साफ और एकदम कोमल कोमल से हुए। माखन कैसे एकदम साफ एकदम सफेद सफेद हुए, ठीक वैसे हम सबके मन होने चाहिए, हम सबके दिल होने चाहिए साफ सफेद, जिसमें कोई भी लालच घमंड नफरत छल कपट ऐसे दाग ना होने चाहिए। इसलिए तो कृष्ण जी को चितचोर कहा गया है, जो लोगों के दिल को चोरी करते हैं। ए भगवान, सॉरी सॉरी, भगवान युवान ने ना सब उल्टा पुल्टा समझ के सब कुछ गड़बड़ कर दिया। रे पर छोरा, थारी इस हरकत की वजह से बन्नी के सारे जो कस्टमर है ना वो नाराज हो गए, कितने तो ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। ये देख, ये टिफिन रखा है थारे सामने। सॉरी 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 बन्नी तुलन, युवान को ना तुम्हें नाराज नहीं करना था बच्चे, मैं तो बस मम्मा को खुश करने के लिए। याद है उस दिन ऐसे ऐसे सोते हुए आपने कहानी बताई थी ना कृष्णा जी वाली? तो ऐसे थे भगवान कृष्णा, अपनी प्यारी गोपियों की मटकी से मक्खन चुराते थे वो। तो मम्मा, अगर युवान को भी कृष्णा बनना है तो मुझे बन्नी दुल्हन के टिफिन चुराने होंगे। भगवान कृष्ण तो कुछ ऐसे ही करते थे। अच्छा मम्मा, युवान अब कंफ्यूज हो गया, आप तो हमेशा कहती थी कि चोरी करना बुरी बात है, फिर अब? युवान, इसे चोरी नहीं कहते, ये तो युवान जन्माष्टमी के लिए कृष्णा भगवान बना है, और अगर युवान कृष्णा बनेगा ना तो उसकी माँ को बहुत खुशी होगी। सच्ची? सच्ची। याद आया मम्मा, युवान इसकी मासूमियत का फायदा उठा के भगवान के नाम पर आप इससे चोरी करवा रहे थे। बन्नी, तुम मुझे गलत समझना बंद कब करोगी? और ऐसी कौन सी माँ है जो ये नहीं चाहेगी कि जन्माष्टमी के दिन उसका बेटा कान्हा बने? और मैंने युवान को सिर्फ कान्हा की स्टोरी सुनाई थी, अब अगर युवान ने उसका गलत मतलब निकाला और ये सब किया तो मैं क्या करूँ? याद है बन्नी, तुमने युवान को अपने पानी में छुपने की कोई कहानी सुनाई थी और युवान ने उसका कोई गलत मतलब निकाल के वो पानी के टब में छुप गया था, तो क्या उस वक्त तुम गलत थी? सॉरी सच्ची सॉरी, युवान ने सब गुड़कम भिड़कम सब गुड़कम भिड़कम कर दिया, मुझे पता ही नहीं था। पर बन्नी दुल्हन, इसे ठीक ना युवान ही करेगा। मैं ना तुम्हारे सारे कस्टमर्स के पास जाऊंगा और सबको सॉरी बोलूंगा। अच्छा चाहिए ना तो मैं मुर्गा मुर्गा भी बन जाऊंगा। सच्ची? चले। आखिर मंडूसी मैडम ने ऐसा किया क्या है कि युवान इनकी बातों में आके आज चोरी तक कर बैठा? जी, काश आपके लिए 21 तोपों की सलामी अरेंज करा पाता। कैसे आपने उस स्मार्ट लड़की बन्नी को अपना घूमर करके घुमा दिया, मतलब कैसे कर लेती अब कैसे? हाँ ताई जी सच्ची, इतना बड़ा खेल सोचने सोचने में ही हमारा तो जन्म का खेला हो जाता। क्या चाहिए, साफ साफ बोलो। वो ताई जी, हमारे गांव में ना
हमारे कजिन की शादी है। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। तो ना हम पहली बार गांव जा रहे हैं शादी के बाद, तो सब देखेंगे कि चार्मी क्या लेकर आई। तो 50,000 तक का कोई अच्छा तोहफा ले जाना। ताई जी, इतना तो फ्लैट में रहने वाले लोग ले आएंगे, हम तो फिर भी इतने बड़े घर की बहू हैं। हम तो सोच रहे थे कि 4-5 लाख कम से कम। तुम गलत सोचती हो चार्मी, सोचना तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं। जी वो मैं 50,000 काफी है। बेबी ऐसे 50,000 भी बहुत होते हैं नहीं? इतनी कहाँ, हमारी चिता में फूल चढ़ा देना। हम बता दे रहे हैं, हम 4-5 लाख से कम का तोहफा नहीं लेके जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। भाई जी, इस बार के लिए माफी चाहूंगा। मैं भी सच्ची सॉरी सॉरी भाई जी। बन्नी, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। आप जब तक बन्नी दुल्हन को माफ नहीं करेंगे ना, युवान आपको सामान नहीं देगा। हाँ दे तो भाई, देर हो रही है। नहीं, पहले माफी फिर सामान। बन्नी युवान, नहीं बन्नी दुल्हन, पहले माफी फिर सामान, पहले माफी फिर सामान, बस। बन्नी कितनी बार माफ किया जाए, पिछली बार तुम्हारे टिफिन में किसी ने धतूरा मिला दिया था, इस बार इसने आधी रोटी खा ली। देख बन्नी, शादी के बाद काम संभालना बहुत मुश्किल होता है, मुझे नहीं लगता अब तेरे बस की है। आगे से टिफिन मत लाना, हम कहीं और से लगवा लेंगे। और हाँ, अभी झल्ले पति से सामान दिलवाओ और रास्ता छोड़ो मेरा। ये तो युवान, ये लो, अगर हमारा टिफिन ना लेना ना तो ना लीजिए, पर बन्नी अपने पति का अपमान ना सह सकती। चलो युवान, बन्नी दुल्हन, तुम युवान से गुस्सा हो? बन्नी दुल्हन बताओ ना। युवान, आज बन्नी के 10 कस्टमरों ने एक साथ बन्नी को आगे से खाना लाने के लिए मना कर दिया, और आज बन्नी के कस्टमर 170 की गिनती से 160 पर आ गए। इतने सालों में पहली बार किसी ने बन्नी का खाना लेकर उसे छोड़ दिया। और फिर जब मैं उससे बात कर रही थी, थारी को क्या जरूरत थी उसका सामान लेकर उसे और गुस्सा दिलाने की? अगर थारी को हमारी मदद करनी है ना युवान, तो प्लीज चुप रहो। सुनिए, ये आपका। अच्छा यही है ना, चलो। हाँ भाई जी, ये भी डाल दो। रुमाल वाली बच्ची कहाँ गई? ये रो रही है। हो हो, रुमाल नहीं है ना उसका, उसके पास। सुनो, अरे सुनो, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रुमाल युवान के पास है, गिर गया था, ले लो। ठीक है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आधे घंटे में इसके स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन है और इसकी बांसुरी टूट गई है। अगर बांसुरी नहीं मिली तो इसकी सारी टीम हार जाएगी, और ऊपर से आसपास कोई दुकान भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो गया। एक मिनट रुके, मैं अभी आया। ठीक है, के गाजर चाहिए, ले लो। अरे 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 युवान बेटा, मार चाकू तो पाछू दे। ये तुम्हारी बांसुरी रेडी हो गई, अब तुम्हारी टीम नहीं आ रहेगी। लेकिन ये तो गाजर से बनी है, बजेगी थोड़ी ना। समझ गया तुम्हें, चखो।
देखा, अब तो तुम्हारी टीम जीतेगी ना। थैंक यू। मेरे लिए? मैं ना कृष्णा जी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी मदद कर दो, और आप कृष्णा जी की तरह आए और मुझे बचा लिया। थैंक यू। इसके लिए तुम्हें भी थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चलो बेटा, कोई काम होगा तो जरूर बताना। मैं इस आंगनवाड़ी में स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। हाँ जी। बस एक और मिनट। ये ना बन्नी चाओ होम डिलीवरी, ये बन्नी दुल्हन है ना, ये उसका बिजनेस है, वो मस्त मस्त खाना बनाती है, टिफिन बनाती है। अगर आपको चाहिए हो ना तो आप बन्नी दुल्हन से मंगवा सकते हैं। हमारे आंगनवाड़ी की ना एक नई ब्रांच श्यामनगर में भी खुल रही है, तो उसके लिए वहाँ हमें 200 बच्चों के लिए टिफिन चाहिए। क्या आप डिलीवरी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ। आप कल मुझे आंगनवाड़ी में आके मिलिए। जरूर जरूर। थैंक यू भाई साहब। जी युवान, आप बहुत बहुत थैंक यू। क्यों युवान तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने तो कहा था ना बन्नी दुल्हन, हमारी मदद करनी है, तो ऐसे चुप रहो। तो चुप है युवान, चुप हूँ मैं। इधर आओ, खोलो। युवान, अगर मारा इकलौता दोस्त ही मारे से बात ना करेगा तो और कौन करेगा? मैं बोल चुका हूँ, ऐसे चुप नहीं रहना होगा मुझे। मैं बोलूं बन्नी दुल्हन, युवान का झूला झूल रहा है, झूल सकता हूँ? कान्हा जी जैसे। बन्नी दुल्हन, आज के बाद ना युवान कभी चोरी नहीं करेगा, पक्का सच्ची। ऐसे क्या सही क्या गलत ना तुम मुझे हमेशा बताती रहना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। हाँ बिल्कुल, हमेशा। चलो झूला झूलते हैं। बन्नी दुल्हन, बन्नी दुल्हन, अब घर चलते हैं। युवान को ना ये मोर पंख है ना कृष्णा जी वाला, मम्मा को दिखाना है। मुझे मम्मा की बहुत 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 याद आ रही है, सच्ची। मम्मा? हाँ। ये अचानक से सासू माँ की याद, ये कैसे? युवान? हाँ। थारी नई सासू माँ से इतना प्यार कैसे हो गया? तुम्हें मैंने बताया तो था ना बनी दुल्हन, वो मेरा और मम्मा का सीक्रेट है। सॉरी, पर मैं तुम्हें ना बता नहीं सकता, सॉरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।